नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत भोपाल से आई बड़ी खबर के साथ। मुख्य सचिव के खिलाफ लोक एक्ट में शिकायत की गई है। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस के खिलाफ लोक एक्ट में शिकायत की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, अरुण यादव शिकायत करने पहुंचे हैं। सीएजी और सीवीसी की हालिया रिपोर्ट में विभिन्न योजनाओं में भ्रष्टाचार का खुलासा होने के बाद कांग्रेस ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। कांग्रेस ने चीफ सेक्रेटरी इकबाल सिंह बैंस और आजीविका मिशन के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ललित मोहन बेलवाल के खिलाफ लोकायुक्त में शिकायत दी है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की भोपाल से। बता दें आपको, सरकार के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस के खिलाफ कांग्रेस ने लोकायुक्त में शिकायत की है और शिकायत करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, अरुण यादव शिकायत करने पहुंचे हैं। आपको बता दें, सीएजी और सीवीसी की हालिया रिपोर्ट में विभिन्न योजनाओं में भ्रष्टाचार का खुलासा होने के बाद कांग्रेसियों ने ये मोर्चा खोला है और एक साथ मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस की शिकायत करने के लिए दिग्विजय सिंह, विवेक तनखा, डॉक्टर गोविंद सिंह और अरुण यादव करने पहुंचे हैं शिकायत। दरअसल सीएजी और सीवीसी की हालिया रिपोर्ट में कुछ योजनाओं में भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ था। न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ जुड़े हैं भोपाल से और जानकारी के साथ। शैलेंद्र, हर मसले पर घेरने की कोशिश, और एक लिहाज से अगर हम कहें कि इकबाल सिंह बैंस के खिलाफ अगर शिकायत करनी है कांग्रेसी पहुंचे हैं तो निशाने पर सरकार तो होगी ही। शैलेंद्र, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कांग्रेस लगातार भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर भाजपा सरकार को लगातार घेर रही है और वो सारे मुद्दे उठा रही है जो पिछले कुछ समय से प्रदेश में करप्शन के सामने आए थे। तो ये जो मामला है, यहाँ पर जो मुख्य सचिव है इकबाल सिंह बैंस, उनका दो बार सरकार ने एक्सटेंशन बढ़ाया है, तो कांग्रेस ने उस मुद्दे को उठाते हुए उस रिपोर्ट को आधार बढ़ाया है जो कि पोषण आहार को लेकर सामने आई थी। केग की एक प्राइमरी रिपोर्ट थी, ये सार्वजनिक हुई थी, महिला बाल विकास विभाग में ये सामने आया था कि पोषण आहार का जो सप्लाई होता है, जो बच्चों को मिड डे मील और अन्य योजनाओं में, उसमें बड़े स्तर पर करप्शन हो रहा था। तो केग ने एक प्राइमरी रिपोर्ट पेश की थी, उस रिपोर्ट में ये चीजें सामने आई थी कि किस तरीके से स्कूटर हो या कार के नंबरों के आधार पे पोषण आहार बटना दिखाया गया था। तो मध्यप्रदेश में पोषण आहार का स्कैम कोई नया नहीं है, ये लगातार सामने आता रहा है। आज कांग्रेस ने उसी को आधार बनाया है और कांग्रेस ने आज लोकायुक्त को शिकायत की और पूरे तथ्यों के साथ उस एक की प्राइमरी रिपोर्ट के कुछ पन्ने सौंपे हैं। एक और अधिकारी है जो कि एमएस बेलवाल है, जो लंबे समय से, ये भी इनको भी लगातार सरकार ने प्रतिनियुक्ति दी है, तो एमएस बेलवाल को भी आधार बनाया है और इन दोनों अफसरों के खिलाफ मुख्य सचिव और इनको हटाने की और इनके खिलाफ लोकायुक्त में केस दर्ज करने की मांग उठाई गई है। बिल्कुल बिल्कुल, तो मोर्चा खुला है कांग्रेस ने इकबाल सिंह बैंस के खिलाफ। शुक्रिया आपका शैलेंद्र जानकारी के लिए। आगे बढ़िए, आगर मालवा से बड़ी खबर है। प्रसिद्ध बाबा बैजनाथ की शाही सवारी शुरू हो गई। बैजनाथ मंदिर से शाही सवारी शुरू हुई है, लाखों की संख्या में भक्त शामिल हुए। ये बड़ी खबर आगर मालवा से है, जहां प्रसिद्ध बाबा बैजनाथ की शाही सवारी शुरू हो गई है। बाबा बैजनाथ मंदिर से शाही सवारी की शुरुआत हुई है, लाखों की संख्या में भक्त इसमें शामिल हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं और रात करीब 11 बजे सवारी का समापन होगा। आगे बढ़ेंगे, सारंगढ़ बिलाईगढ़ से बड़ी खबर है। सैकड़ों लोगों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया है। मारपीट मामले में कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों में नाराजगी है। बिलाईगढ़ विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई है। कार्रवाई नहीं होने पर ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान भी किया है। अगली खबर इंदौर से बड़ी खबर, 8वीं पास साइबर ठग ने करोड़ों रुपए की ठगी को अंजाम दिया। यूट्यूब फेसबुक पर लाइक सब्सक्राइब कर करोड़ों की कमाई का लालच दिया। आरोपी साइबर क्राइम सेल की कस्टडी में। 8वीं पास ठग सोशल मीडिया के
साथ हैकिंग का जानकार है। आरोपी ने फर्जी बैंक अकाउंट बनाया था और उसके साथ